जनाब रात में जस्टिस फैसल अरब के बेटे का वलीमा अटेंड करके वापस आया रात 12 बजे। इन्होंने मेरे घर के गेट पर जब मैं पहुंचा तो 3 मोबाइल लेके इन्होंने मुझे पूरा घेरा, मेरे में जो बदतमीजी की मुझे और मेरे घर के अंदर। मैंने कहा मेरी अहलियों को अंदर जाने दे, जब वो अंदर चली गई इन्होंने मुझे पकड़ के उठा के मोबाइल में डाल के ले गए। ना इनके पास वारंट था ना कोई वजूद थी, और वहां पर इन्होंने पूरी मीडिया को भी बुलाया हुआ था, पकड़ के मुझे ले गए, ह्यूमिलेट किया, लॉकअप किया। जावेद इसके अंदर जो जावेद अकबर इसके अंदर बहुत आगे इन्वॉल्व था, और वसा और इनका जो सयाल है वजीर दाखिला बहुत है कि इसको लॉकअप में रखो। इन्होंने मुझे 3-4 क्रिमिनल्स अंदर थे उनके साथ बांध बिल्कुल ह्यूमिलेट करके अंदर रखा इन्होंने। ना मुझे मेरी हुकूक की जो चीजें थी ना मुझे दी, और मुसलसल कहते रहे उसको सबक सिखाएंगे, हम सबक सिखाएंगे। मैंने कहा ठीक है, और हैंडकफ रखा रहा मुझे, हथकड़ी लगाए रखी मुझे, और इन्होंने अंदर से मीडिया के कुछ नुमाइंदों को बुला के मेरी लॉकअप की तस्वीर भी जाए टीवी पर अपलोड, और प्री प्लान पूरी मेडिटेटेड अकबर इसके अंदर पूरा शामिल है, और अनवर सियाल भी इसके अंदर। क्योंकि मैंने पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों का नाम लिया था, उनको बहुत बुरा लगा, दे ट्राई टू टीच मी अ लेसन, वी दे मिसेबली फेल टू डू सो, और यहाँ का कानून इंसाफ की फतह हुई है। मैं बार के तमाम नुमाइंदे के बार के तमाम दो तमाम लोगों का मैं बहुत दिल की गहराइयों से मशहूर हूँ। मेरी दामे दर में सुखने अपना मदद की जनाब, जितने बार के जितने वकला जितने भी वकला बिरादरी में उनका बहुत दिल की गहराई से मशहूर हूँ। उन्हें आके मेरी बड़ी मदद की और कानून के दायरे में रहकर काम किया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम कलम के हम मजदूर हैं, और कलम की आज फतह की उन्होंने, बंदूक आज फिर हार गई है। मैं आपका बहुत शुक्रिया, और इसके अंदर और दूसरा मैं ये जरूर करो। और मैंने जावेद अकबर के भाई अब्दुल मालिक जब वो आया था करप्शन के इल्जाम में एफआईए से पुलिस में आया था, मैंने उसके खिलाफ पटिशन की थी। जावेद अकबर खुद एफआईए से इसके अंदर आया, मैंने उसमें कंटेंट की कुछ केसेस फाइल किए, और उसके भाई को जो शिपिंग एजेंट था उस पर पेनल्टी लगी थी। इन तमाम है उसका, उन्होंने बदला मुझसे इस तरह सेटल किया है, और ये बिल्कुल, और मुझे कुछ मीडिया से बड़ी शदीद शिकायत है हुसैन एयर भाई से, उन्होंने मुझे सुने बगैर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कंडेम नॉट आउट किया, और पूरी दुनिया के अंदर मेरी रेपुटेशन को बलाइन किया, जिसके लिए मैं अपना हक महफूज करता हूँ कि मैं अपने हक को रिजर्व करता हूँ। मैं इंशाल्लाह इनको भी बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह, हम कलम के सिपाही कलम से लड़ेंगे इंशाल्लाह, कलम से करेंगे, रोज करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। हाँ मैं आपको बताऊँ उसमें रोशनी डालू, देखे जनाब मेरे साथ मेरे 2 बच्चे बैठे थे, मैं आज तक कभी मैं कभी रेसिंग ट्रैक पे नहीं गया, ना मुझे शौक है गाड़ी भगाने का, मुझे अल्लाह ने गाड़ी दी थी, मैं आया अपने बच्चों ने मुझे कहा सीवी में लगा शमशीर पे 5 मिनट की ड्राइव है, वहां से मैं गाड़ी टर्न कर रहा था, और सबको पता है विलेज रेस्टोरेंट में स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, स्पीड ब्रेकर में मेरी गाड़ी स्लो थी, मैंने गाड़ी स्लो की, आप वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने गाड़ी स्लो की है। ये जो खबीसू खान था ये आया, इसका रवैया इंतहाई जारियाना था, इसने मेरी गाड़ी के ऊपर बोनट पे बार बार हाथ मारा, मुझे गुस्सा है, मैंने शीशे नीचे किया, कहता है ओए नीचे उतर। मैंने कहा तुम्हें तमीज नहीं है गुफ्तगू करने की, तुम्हें कौन लाया यहाँ से? उसके ऊपर उसने मैंने कहा कि तुम जिस तरह तुम्हारा रवैया है तुम मुझसे बात करो, पूछे, कहते हैं आप रेस लगा रहे, मैंने कहा किसके साथ रेस कर, बताओ कौन सी गाड़ी मेरे साथ है, रेस के लिए देश शुड बी अ कॉम्पिटिटर, और मेरी गाड़ी की स्पीड क्या 0 डेड पे, और मुझे कोई चलाने का शौक नहीं है। कहने लगा नहीं, अब आप मुझे शक था कि आप रेस लगाएंगे। उसके बाद बात बड़ी, मैंने कहा तुमको पकड़ना था ना कानून की, तुम जुल्फकार मिर्जा को पकड़ते जिसने थाने में घुस के डीएसपी का मोबाइल तोड़ा था और मोबाइल थाने को नुकसान पहुंचा, तुम उसको नहीं पकड़ सके। मैंने इस पे किया, इस पे गर्मा गर्मी इसको मैंने ईगो का मसला बनाया, और 10 तारीख की FIR थी, फिर दोबारा क्लिप लोड करके 23 की रात को जब हफ्ते की रात थी इतवार, फिर प्लानिंग के साथ पूरा प्लानिंग कैलकुलेटेड प्लानिंग के तहत FIR कर गई, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कानून का बोलबाला किया, और जज साहब ने बड़ा शानदार ऑर्डर किया, और उल्टा उनको शो कॉज दे दिया। बाकी अपनी फाइनल करेंगे, और अपनी वकला बरादरी का बहुत दिल की गहराइयों से अथा गहराइयों से मशहूर हूँ। केस खत्म हुआ है या केस खत्म कर दिया? उनको शो कॉज दिया, SHO को भी दिया है, और SIO को भी दिया है, सबको दिया है। केस की कार्रवाई जब रिजल्ट आएंगे आपको बता देंगे जी। हाँ खत्म खत्म बिल्कुल खत्म बिल्कुल खत्म करेंगे भाई, फर्दर बाद में करेंगे।